Assalamu alaikum, dear students. Welcome to American Academy. How are you today? You will be fine, I hope so. Today, we are going to do an experiment. हम मालूम करेंगे किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की पोलैरिटी के बारे में. आज हम सीखेंगे कि पोलैरिमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं. So let's have a look. हमारी लास्ट वीडियो थी रिफ्रेक्टोमीटर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे पोलैरिमीटर के बारे में. ये बेसिक बॉडी है पोलैरिमीटर की और इसको जानते हैं कि ये किस तरह काम करती है. अगर हम पोलैरिमीटर को सामने से देखें तो हमें एक लेंस नज़र आएगा और इसके साथ साथ हमें एक स्केल नज़र आएगा जो दोनों साइड पे होता है, लेफ्ट और राइट साइड पर, और आउटर भी होता है और इनर भी होता है. इसके बारे में हम आगे सीखेंगे. अगर हम पोलैरिमीटर को साइड से देखें तो इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड सैंपल वेल, और इसको सैंपल रैक भी बोलते हैं. अब मैंने इसको ऑन किया है, जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये सोडियम लैंप से आती है और इसको हम सोडियम लैंप पुकारते हैं. जैसे मैंने आपको सामने से दिखाया, इसी तरह से यहाँ पर आपको नज़र आएगा लेंस, इसको आप आईपीस बोल लें, लेकिन ये एक वर्नियर डायल है जिसको घुमाकर हम एडजस्टमेंट करते हैं. और ये मेरे हाथ में एक सैंपल ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है. इस ग्लास को हम या इस सैंपल को जो इसमें भरा होता है वो रैक में रख देते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ. लेकिन इससे पहले हम इसमें एक लिक्विड भरते हैं. तो इसमें होता ये है कि कुछ आपको खोलते हुए एहतियात बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा लेंस होता है, साथ एक कैप होती है, और जब ये सब कुछ उतर जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें लिक्विड डालना है. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने बड़ी एहतियात के साथ इस ट्यूब को फिल करना है. कोशिश करनी है कि ऊपर तक जितना हो सकता है लिक्विड भर दिया जाए. बहरहाल मैं आपको छोटी सी एक गलती करके दिखाऊंगा, जो अगर हो जाए तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है. वो गलती ये है कि अगर हम एयर टाइट इसको बंद ना करें या लिक्विड फिल ना करें कम्प्लीटली, तो एक बबल आ जाता है. और बबल कैसे रिमूव किया जाता है उसको भी देखते हैं. अब ये हमारे पास पोलैरिमीटर की ट्यूब है जिसको हम सैंपल ट्यूब भी बोलते हैं. अब इस सैंपल ट्यूब को हमें बंद करना है. सबसे पहले हम इसके ऊपर एक छोटा सा लेंस रखेंगे, और जब लेंस रख लेंगे तो फिर इसके ऊपर एक छोटी कैप होती है, लेंस की कैप. और फिर हमारे पास इसको बंद करने के लिए मज़ीद एक कैप होती है. इस तरह से सब कुछ बेहतरीन तरीके से टाइट करें, लेंस टूट ना जाए. अब आप गौर करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा बबल आ गया है. अब बबल को करना क्या है, आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि बबल कहाँ पर आ जाए. देखें ये टाइटली बंद नहीं हुआ था, तो टाइटली हमने बंद कर लिया. अब बबल को हमने कहाँ पर लेके आना है, जो हमारे पास पोलैरिमीटर ट्यूब का जो बल्ब है यहाँ पर आपको इसको फिक्स करना है. और जब हम इसको रैक में रखेंगे तो भी यहीं पर ही रहे. अब हमारा पोलैरिमीटर रेडी है और इसका बल्ब भी ऑन है जिसको हम सोडियम बल्ब या लैंप बोलते हैं. और यहाँ हमने अपनी सैंपल ट्यूब जो रैक है उसमें रख दी है. अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लेनी है जो कि हमें लेंस से हासिल होगी. पोलैरिमीटर हमें बताता है कि हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव जो लिक्विड्स होते हैं वो किस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या कितने एंगल पर रोटेट करते हैं. यही एंगल हम मालूम करेंगे, ये हमारे पास जो वर्नियर डायल है इसको घुमाने के बाद पता लगेगा कि अंदर क्या दिख रहा है. अंदर क्या दिखता है वो भी हम देखते हैं. वर्नियर डायल को घुमाते हुए अंदर हमने ऐसा करना है कि हमें हाफ ब्राइट और हाफ डार्क नज़र आए, और थोड़ा सा मजीद घुमाने पर फिर हाफ डार्क और ब्राइट, और जब मजीद उसको दरमियानी सिचुएशन में लेके जाएं तो जितना हो सकता है वो ब्राइट हिस्सा हमने देखना है. यही हमारा एंड पॉइंट है, और देखना यह है कि अब इसको पढ़ते कैसे हैं. ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए एक स्केल नज़र आएगा. इसमें दो हिस्से हैं, एक इनर स्केल है और एक आउटर स्केल है. जो आउटर स्केल है वो आपको रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है. लेफ्ट साइड पर देखते हुए अगर इनर स्केल का जीरो आउटर स्केल के जीरो से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो नेगेटिव या काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रही है. और अगर यही चीज़ अगर हम राइट साइड के स्केल पर देखें और वहाँ पर इनर स्केल का जीरो आउटर स्केल के जीरो से नीचे चला जाए तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की वो नेगेटिव है. ये हमारे पास एक फाइनल रीडिंग है. तो स्केल पर रीडिंग को पढ़ना कैसे, इसको हम देखते हैं. रीडिंग मैंने थोड़ी सी ट्रिकी रखी है, समटाइम्स ऐसी रीडिंग आती हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो ये उसी में से एक है. इसमें हमने देखना ये है कि हमारे पास एक इनर स्केल है एक आउटर, जैसे मैंने बताया. तो इनर स्केल का जो जीरो है वो आपने चेक करना है कि वो आउटर स्केल के कौन से पॉइंट से मिलता है. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वो ज़ीरो और वन के दरमियान है. अगर ये एग्जैक्टली ज़ीरो के साथ होता या एग्जैक्टली वन के साथ होता तो फिर तो हम उसको एग्जैक्टली ज़ीरो या वन पढ़ते. लेकिन अब अगर ये दरमियान में तो क्या करें, तो इसका तरीकाकार ये है
कि जो छोटा दर्जा होता है यानी ज़ीरो, उसको हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास रीडिंग है फर्स्ट ज़ीरो। लेकिन जो हमारे पास इनर स्केल की रीडिंग है वो हमें डेसिमल पे रीडिंग देगी, मतलब पॉइंट्स में। तो ज़ीरो पॉइंट क्या है, इसको आपने फिर दोबारा से देखना है कि कौन सा दर्जा हमारा इनर और आउटर का आपस में मिल रहा है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास सिक्स इनर स्केल का है वो आउटर स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट में है, तो हम ये देख सकते हैं कि सिक्स को डेसिमल में रखेंगे तो हमारा अगर पहला आंसर ज़ीरो आया है तो अब आएगा 0.6। तो ये वो एंगल है जिसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है। अब जो ये वैल्यू हमारे पास आई है ये पॉजिटिव आई है, प्लस में, क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरो था इनर स्केल का वो आउटर स्केल के ज़ीरो से आगे था, मतलब निचली साइड पर था, ऐसे कह लीजिए जब हम लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ज़ीरो जो हमारा इनर स्केल का है वो आउटर ज़ीरो से अबव चला गया तो हमारा जवाब कुछ बड़ा सारा आएगा, जैसे 178 point something या 178 कुछ भी या 170.6। तो अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 180 से माइनस कर देंगे और जो जवाब आएगा वो हमारा नेगेटिव रोटेशन के साथ लिखा जाएगा। और इसी तरह की कैलकुलेशन हम राइट साइड के स्केल को देखते हुए भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर।